बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं सब, ठीक हैं जी। आज की वीडियो पिछली लास्ट वीडियोस जो मैं बना चुका हूँ वर्चुअल असिस्टेंट जो है, रियल एस्टेट वर्चुअल असिस्टेंट, उसके ऊपर भी MLS में से आपने काम कैसे करना होता है। तो MLS में से हमने प्रॉपर्टीज़ पुल की थी, उसके बाद फ़िल्टर किया उसको, उसके बाद ARV वगैरह उसकी फ़ाइंड की, फिर जब हमने हमारे पास परचेज प्राइस आ गई, उसके बाद हमने उसकी इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस करने के बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट जो है क्रिएट करना होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का क्या तरीका कार होता है, हमारे क्लाइंट का है ये CTMeContracts.com वेबसाइट है, जहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो हमने सिंपल वेबसाइट खोली, इसमें लॉगिन कर लिया, अब अकाउंट लगा हुआ है। यहाँ पे डेली क्या ना हमने करना होता है, टेम्पलेट बनाना होता है। पहले टेम्पलेट बनाते हैं, टेम्पलेट बनाने के बाद उसके बाद जो है ना ऑफर्स जो है उसमें वहीं से हम भेजते होते हैं। अब मैंने क्रिएट न्यू कॉन्ट्रैक्ट पे किया और सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हम परचेज़ कर रहे हैं तो सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसका जो बना हुआ टेम्पलेट पहले है ये वाला हमने सेलेक्ट करना है। इसके बाद क्रिएट सिलेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होते हैं जो हमने भेजने होते हैं डेली के। तो यहाँ सिंपल हमने ना जो पहले बनाए हुए टेम्पलेट्स हैं वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ज़्यादातर चीज़ें, तो वो इजी रह जाता है। ये हमने वहाँ क्लिक किया तो ये खुल गया। अब कल का टेम्पलेट था, परसों का सॉरी, 2/8/2021, इसको हमने क्लिक किया, यहाँ पे सेलेक्ट करके गो के ऑप्शन पे दबा दिया। अब ये इसको हमने सेव कर दिया। जब भी आप स्टेप बाय स्टेप आपने जो भी चीज़ करनी होती है चेंज, तो उसके बाद सेव करना लाजमी होता है, ताकि जो है हर चीज़ सेव सही तरह से रह जाए। अब ये सेव किया, ये डेट चेंज होगी क्योंकि हमने टेम्पलेट जो है 2/8 का उठाया। सेलेक्ट करेंगे, आज की डेट डालेंगे 2/10/2021, फिर सेव। अब सेव करने के बाद यहाँ ये सेव होगी डेट हमारी, ये उसका नेम वगैरह हर चीज़, टेम्पलेट जो पिछला उठाया था उसमें से हर चीज़ आ गई। यहाँ है ऑटो डेटिंग का ये जो ऑप्शन, अब डेट्स यहाँ पे होती हैं, अल्टरनेट वर्नेस्ट मनी डेडलाइन और ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो यहाँ हमने जो सेट किया हुआ है इसको सेव एंड इंसर्ट कर देंगे, सेव एंड इंसर्ट, देन इसको सेव। और सेव करने के बाद हमारी जो हैं सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अब ये देखें, आज 10 तारीख है तो वेंसडे, और ये एक्सेप्टेंस डेडलाइन डेट चेंज होगी एक दिन बाद की होती है, तो बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे ऐड हो गई हैं। अब नेक्स्ट क्या करना होता है, हमने हमारा टेम्पलेट तैयार हो गया है जो हमने डेली तैयार करना होता है ऑफ़र्स भेजने से पहले, ठीक है। ये एक दफ़ा ही तैयार करना है, उसके बाद हमने हर बार इसी को खोलना है नया क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट करके, यहाँ अमाउंट डाल देनी है, यहाँ अर्नेस्ट मनी अमाउंट डाल देनी है, ऊपर उसके जो है एड्रेस डाल देना है, और क्लाइंट का अपना एजेंट का नेम शेम वेरीफाई करने के बाद उसको सेंड कर देना होता है, ठीक है। इसको एक बार फिर वेरीफाई कर लेंगे कि उसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये टेम्पलेट हमारा सेव हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ऑफ़र भेजने का तरीकाकार क्या, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कैसे करना है, उसके बारे में इंशाल्लाह बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।